क्या आपके फेस पर पैचेस आना स्टार्ट हो गया है? स्किन और फेस दोनों बहुत अलग दिखते हैं, डल दिखने लगते हैं। पिंपल का निशान ठीक नहीं हो रहा है, आकनी का निशान ठीक नहीं हो रहा है, फेस पर गड्ढा दिखने लगा है। इसको कम करने के लिए मैं बहुत अच्छा रेमेडी लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बॉल पे मैंने हल्का पिंच, मतलब बहुत लिटिल पिंच मैंने फिटकरी लिया है। फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल और ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी पाया जाता है। हमारे स्किन पर दाग धब्बों को ठीक करता है, अकनी अकनी और मुहासों को ठीक करता है। और थोड़ा सा मैंने हल्दी लिया है, कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी हमारे स्किन को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारे रंगत को वो बहुत अच्छा फ्लॉलेस देता है, हमारे स्किन पर अलग सा निखार आता है। कस्तूरी हल्दी हमारे स्किन स्किन पर ब्राइटिंग का भी काम करता है और लाइटिंग का भी काम करता है। और थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी लिया है, क्योंकि कॉफ़ी हमारे स्किन पर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, हमारे स्किन पर इंस्टेंट ग्लो देता है, स्किन पर अलग सा निखार आता है और यंग भी नज़र आता है। और मैंने लिया है हाफ स्पून से कम, मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है। मुल्तानी मिट्टी भी हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा काम करता है। हाँ, मानती हूँ ये थोड़ा सा ड्राई भी कर देता है, इसीलिए आप इसमें मैंने ऑयल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक्सेस ऑयल तो जो होता है हमारे स्किन पर नॉर्मल है, ऑयल होना तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि एक्सेस ऑयल होना वो थोड़ा सा पिंपल और एक्ने को और ब्लैक एंड व्हाइट हेड को आने में मदद करता है, जब ज़्यादा ऑयल हो जाता है। इसलिए मुल्तानी मिट्टी मैंने हाफ स्पून डाला है। ये हमारे स्किन को बहुत अच्छा एक्सफोलिएटिंग का भी काम करता है और स्किन को ग्लोइंग भी देता है। और थोड़ा सा मैंने इसलिए मैंने एक कोकोनट नारियल ऑयल ऐड किया है, मैंने 2 ड्रॉप बस डाला है। अगर आप कोकोनट नारियल ऑयल सूट नहीं करता तो आप कोई सा भी ऑयल, एक विटामिन ई की ले सकते हो या बादाम ऑयल ले सकते हो, जैतून का ऑयल भी ले सकते हो। और उसको पेस्ट बनाने के लिए मैंने गुलाब जल लिया है, उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा और उसको साइड करके रख दीजिएगा, क्योंकि फेस पर जो भी आप रेमेडी यूज करते हो ना, पहला स्टेप होता है फेस को क्लीन करना। मैंने फेस वॉश कर लिया था, पर थोड़ा सा धूल मिट्टी रह जाता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने कच्चा रॉ मिल्क इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिल्क हमारे स्किन पर बहुत ही अच्छा काम करता है, कि हमारे स्किन पर अंदर से गहराई से साफ करता है। इसलिए कच्चा मिल्क से मैं अपने फेस को साफ करती हूँ और उसको मैं धोती नहीं हूँ, उसके ऊपर ही मैं अपने फेस पैक लगाऊंगी। ये रेमेडी बहुत अच्छा है, हमारे स्किन यंग और फ्लॉलेस दिखता है। आप जरूर ये रेमेडी ट्राई करिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करिए। और जो फेस पैक बना के रखा है उसको अपने, अगर आपके पास ब्रश हो या फिंगर की मदद से, आपने पूरे फेस पर कवर करना है। अगर आपको फिटकरी यूज मतलब से प्रॉब्लम है, आप स्किप भी कर सकते हो। अब मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला है, अगर आपके स्किन को सूट नहीं करता तो आप इस क्रीम को भी मत लगाइए, मतलब फेस पैक को बिल्कुल भी मत लगाइए। इसको आप 15 मिनट तक अपने फेस पर लगा के छोड़ दीजिएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो भीगे टॉवल से आप उसे पोंछ लीजिएगा। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा आपको एक यंग और फ्लॉलेस स्किन आपको प्रोवाइड करेगा। और वैसे भी ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, और फेस पैक लगाने के बाद मॉइस्चराइजर करना मत भूलिएगा, आपको एक बहुत हेल्दी स्किन प्रोवाइड करेगा। ये देखिए मैं नहाने के बाद अपना फेस दिखा रही हूँ, कुछ भी मैं मेकअप नहीं लगाया है। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और